बिल्कुल, जब मैं थपकी करी थी मैंने सीजन वन बिल्कुल फॉलो किया था, बिकॉज ये शो बहुत अलग है. दिस इज नॉट अ डेली सोप, दिस इज नॉट अ वेरी टिपिकल क्राइम बेस्ड शो. ऑल्सो दिस हैज सो मेनी एलिमेंट्स, एंड जब मुझे देव टू ऑफर हुआ आई लिटरली ग्रैब्ड इट. मुझे ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं कैरेक्टर कर चुकी हूँ एक पास्ट में, उससे बिल्कुल ये ऑपोजिट कैरेक्टर है मेरे लिए. ये एक वेरिएशन जो था मेरे लिए ज़मीन आसमान का, काफ़ी मेहनत की है. बिकॉज़ आप जब एक कैरेक्टर करते हो कुछ दो ढाई सालों के लिए, आपके अंदर वो बस जाता है बिल्कुल, आप वैसे बन जाते हो, बहुत कुछ अडाप्ट कर लेते हो उस कैरेक्टर से. और मेरा मानना ये है कि एक एक्टर जब कोई किरदार निभाता है ऑन स्क्रीन, तो उसकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ना, आई थिंक 60-70% वो किरदार लेकर जाता है. तो यस, आई जम्प्ड, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जंप ली है मैंने इस कैरेक्टर को करके. बिकॉज थपकी में जैसे मैंने डबल रोल भी किया था, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बड़ी उम्र का रोल प्ले कर लिया था. सो आई वॉन्टेड टू डू दिस. एंड जब सीज़न वन मैं देख चुकी हूँ कि एक हिट हो चुका है, एक सीज़न वन लेगेसी लेकर आया हुआ है ऑलरेडी, जब ये कैरेक्टर मिला, न्यू एंट्री है शो में और सब सीज़न वन से चले आ रहे हैं, दिस इज़ द ओनली न्यू एंट्री एंड द शो इज़ डार्क. सो माय कैरेक्टर नेम इज़ ध्वनि करचीवाला एंड शी इज़ वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ, वेरी टैकी एंड पावर हाउस ऑफ एनर्जी. इतनी एक्चुअली मैं रियल लाइफ में मैं इतनी बबली और इतनी एनर्जेटिक नहीं हूँ जितनी की ध्वनि है. सो इनिशियली काफ़ी मेहनत की है इस कैरेक्टर में, बट नाउ आई फील कि मैंने काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है. सो यू नीड टू सी देव सीजन टू विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून, मंडे टू थर्सडे 10:30 PM. इसके अलावा थपकी के किरदार को आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था. बिल्कुल, इसका फर्स्ट सीजन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो बिल्कुल उस चीज़ का प्रेशर रहेगा कि अच्छा ही करना है या फिर एक्चुअली प्रेशर की जगह मैं समझती हूँ ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने अगर थपकी किया तो मुझे इस प्रोड्यूसर्स ने भी, चैनल ने भी, सब ने एक रिस्क लिया है. बिकॉज जो मैं कैरेक्टर करके आ रही हूँ ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है उससे, एंड उन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं इस कैरेक्टर को निभा पाऊँगी. बिल्कुल बबली लड़की है जो कुछ भी बोलती है, बट एट द सेम टाइम आई एम प्लेइंग कैरेक्टर नीमदास ध्वनि करचीवाला, विच इज़ शी इज़ अ साउथ मुंबई गर्ल. ओके, सो शी इज़ वेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम, एंड देव की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, ब्लॉग्स लिखती थी उनके बारे में, क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी है. सो देव के साथ जब फाइनल इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो कैसे देव के वो करीब जली जाती है. यू नीड टू सी दैट कि मैं कैसे उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हूँ, उनको केस सॉल्व करते हुए देखती हूँ. या लास्टली ऑन सेट का माहौल रहता था, और मतलब एज अ न्यूबी इन द शो कैसे ट्रीट करते थे लोग, क्या प्रेप होता था उनकी तरफ से? न्यूबी इन द शो. ओके ओके, एक्चुअली क्या है ना कि आप जब एक डेली सोप करते हो, एक नॉर्मल टेलीविजन शो करते हो, एक सेट होता है प्रॉपर. इस शो की खासियत ही है इसमें कोई सेट नहीं है, इतना पेसी शो है. कभी हम एक समुद्र पर शूट करते हैं, कभी हम किसी आइलैंड पर शूट कर रहे हैं, कभी हम किसी चौल में शूट कर रहे हैं. दिस इज़ सो रियल, एंड एट द सेम टाइम सबसे अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ क्राइम बेस्ड शो नहीं है, हर कैरेक्टर की, देव की, महक की, नार्वेकर सर की, मेरी सबकी अपनी पास्ट स्टोरीज हैं जो कि और अमेजिंग, बहुत ही थ्रिलर है. या ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.